स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कैपस्टर: पैरेलल प्लेट कैपस्टर, सिलेंड्रिकल कैपस्टर, स्फेरिकल कैपस्टर. इन आवर सिलेबस वी विल स्टडी ओनली पैरेलल प्लेट कैपस्टर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पैरेलल प्लेट कैपस्टर को ही ये सिर्फ स्टडी करेंगे. तो ये पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास, प्लेट ए एंड प्लेट बी. प्लेट ए को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा. ठीक है, इसकी भी सिग्मा है. तो इसे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर क्या आ गया? हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया प्लस प्लेट बी पर. और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से. इसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? स्मॉल डी है. ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास रहेगा वो नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस साइड वो आ जाएगा पॉजिटिव 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 ड्यू टू इंडक्शन. तो वो पॉजिटिव कहाँ चले जाएगा? अर्थिंग, अर्थ में. ठीक है, तो इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर यही है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. वी कंसीडर द टू प्लेट्स ए एंड बी. ठीक है, प्लेस्ड एट क्लोज टू ईच अदर एंड द सेपरेशन बिटवीन देम डी. इफ प्लस क्यू चार्ज गिवन द प्लेट ए, देन माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट बी. और इस पे इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है माइनस क्यू. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? ई ई इक्वल डी वी अपॉन डी आर. ठीक है, इसका हम मैं से माइनस होता है लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई इक्वल डी वी अपॉन डी आर. ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया. सिमिलरली इसी तरह से ए इक्वल बी अपॉन डी लिख सकते हैं, बी बी पोटेंशियल. ठीक है, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? ई डॉट डी. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लिया है हमने. ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा. सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए. ठीक है, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी इक्वल ई डॉट डी. वैल्यू पुट कर देंगे ई की, ई की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. ठीक है, अब क्या करेंगे इस बार हम? सिग्मा सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपॉन ए. तो बी इक्वल, तो यहाँ हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी है. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. इफ कैपेसिटेंस सी इक्वल क्यू अपॉन बी, देन सी इक्वल क्यू. अब बी की वैल्यू ये पुट कर देंगे क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए. क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी. तो सी इक्वल क्या आ गया आप हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट ए डी. इफ के क्या है? के कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है. इफ के इज़ क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे तो सी इक्वल आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डी. तो इस बार जो कैपेसिटर का, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एक तो एरिया पर. ठीक है, दूसरा डिपेंड करेगा उसकी डिस्टेंस पर. ठीक है, यानी जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, जो इनके बीच प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा. दूसरा, इस प्लेट की जो एरिया है ठीक है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक, क्योंकि सिग्मा क्या है हमारे पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, और इस प्लेट की कुछ ना कुछ एरिया, ये क्या है? एरिया. तो
कैपस्टेंस, इस फार्मूले से देखें आप कैपस्टेंस क्या आया, कैपस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ प्लेट्स पर और डिस्टेंस यानी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, उनके सेपरेशन पर डिपेंड करता है। तो ई जानते ही हो आप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ई इक्वल डी वी अपॉन डी आर, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया हमने ई इक्वल बी अपॉन डी, ठीक है बी अपॉन डी। इसको हम पीछे जो लास्ट डेरिवेशन में है डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल है, ठीक। तो बी इक्वल ई डी हो गया। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जानते ही आप क्या होता है, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनसे एक रिलेशन बनाएंगे और ये रिलेशन आएगा। तो ये हमारे लिए ये जो कैपस्टेंस आया, ये कैपस्टेंस किसके लिए आया, पैरेलल प्लेट के लिए, के एप्सिलॉन नॉट ए डी, ओके।